हाँ बेटा आगे चलूं। आगे चलो बेटा। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सर सैटरडे संडे का क्या शेड्यूल है? सैटरडे क्लास है बेटा, संडे क्लास नहीं है। सैटरडे आपकी क्लास है नहीं, सर? आपकी आपकी और मेरी सैटरडे क्लास है बेटा, संडे क्लास नहीं है। सर आपको टेस्ट का पता है? नहीं, टेस्ट आएगा बेटा, अभी मैं लिख देता हूँ ये चीजें। सर कब है हमारा टेस्ट? टेस्ट आपका कब है ये तो बेटा मैनेजमेंट भी बताएगा, लेकिन टेस्ट का टॉपिक सेल है। है सर, बायोमोल्कुस दीजिए। मैंने बना दिया यार, तीनों बैच के लिए सर, अगली बार दे दूंगा, मैंने बना दिया बेटा अभी देख में, अगली तीनों बार बैच के लिए सर, बना दिया। तीनों बैच के लिए। हाँ, तीनों बैच के लिए बेटा। टेस्ट सर हाँ, बायोमोलिक्यूल और कॉकरोच वाले दोनों ही बच रहे हैं अभी। क्लास इज देयर ऑन सैटरडे, सैटरडे क्लास है, नो बायो क्लास ऑन संडे। सर तीन क्लास होंगी सैटरडे भी। सर हाँ, ये है सर बेटा, अभी लिख ब्रेक टाइम में आप कंफर्म करके आ जाओगे कि टेस्ट कब है हमारा? ओके हाँ मैं बता दूंगा बेटा, ब्रेक के बाद सर, बता दूंगा। लास्ट स्लाइड करना हाँ सर, लास्ट स्लाइड करना। क्लियर हो गया जो मैंने लिखा है? टेस्ट का टॉपिक भी लिख दिया, सैटरडे यस सर। क्लास है ये भी मैंने आपको बता दिया, संडे क्लास नहीं ये भी मैंने आपको बता दिया। सर इससे पहले भी कुछ करवाया है? नहीं, बेटा इससे पहले। सर सैटरडे क्लास सारे बैच की होगी, मतलब तीनों बैच हाँ की? बेटा, तीनों बैच की, जैसी ये चल रही है वैसी। सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट नहीं बता बेटा मुझे, टेस्ट का टॉपिक बता दिया मैंने। हाँ सर जस्ट वेट अ मिनट, लास्ट स्लाइड। ये बेटा, सैटरडे तीनों क्लास है, क्लास इज देयर ऑन सैटरडे फॉर ऑल द थ्री बैचेस, नो बायो क्लास ऑन संडे फॉर एनी बैच। किसी भी बैच के लिए बेटा संडे को कोई क्लास नहीं है, ये है। सर संडे को कोई क्लास नहीं है, संडे को बायो की क्लास नहीं। मेरी क्लास नहीं है, मेरी नहीं है, मैं तो अपने ही बता सकता हूं ना बेटा, मेरी नहीं है। सर हाँ हाँ सर बोलो। नेटफ्लिक्स से तो काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग हैं जो ओपन हो रहे हैं हमारे। बेटे देखो, ये तो ना मैनेजमेंट के लोग बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता ना।
ओके सर। सर फिर भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हो जाएगा। पता नहीं बेटा, यहाँ पे तो एकदम ये लोग ना पूरा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं ना, तो अगर गवर्नमेंट ने खोल दिया तो बेटा खुल ही जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सर लास्ट स्लाइड करिएगा। नहीं हो गया बेटा। हाँ जी सर, हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसको पूरे को मिटा देता हूं। सर सर हाँ ये चैप्टर पूरा हो जाएगा? सर हाँ बेटा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा? बिल्कुल बेटा बिल्कुल पूरा करूंगा। ठीक है सर। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और सैटरडे को बेटा एवोल्यूशन करवाऊंगा, पढ़ के आना। सर कौन सा? एवोल्यूशन आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ये बेटा मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा दैट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, और इन फोल्ड्स को बेटा हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टे। ये बेटा ये है डीएनए, ये है बेटा राइबोसोम, ठीक है। ये आ गई मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स है बेटा, है ना। ये हो गई बेटा मैट्रिक्स। हो गया आगे चलो। और मैट्रिक्स के ऊपर क्या मौजूद होता है कौन बता रहा है मुझे? इसके क्रिस्टे के ऊपर क्या मौजूद होता है कौन बता रहा है मुझे? पार्टिकल्स होते हैं ना कुछ, हाँ ETS सर F0 F1 पार्टिकल्स। ऑक्सीजन, इनको क्या नाम देते हैं बेटा? F0 F1 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ओहो ये क्या कर दिया मैंने, ये वाले है ना F0 F1 पार्टिकल्स। और दूसरा नाम क्या है बेटा? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ऑक्सी ऑक्सीसोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स
हो गया, बना लिया बेटा। सर ये F1 कौन से पढ़े कर रहे हैं? हाँ बेटा हम्म, बोलो बोलो, ये पार्टिकल्स कौन से हैं? ये बताता हूँ अभी, ये क्या काम करता है बताता हूँ। हो गया बेटा, आगे चलो लिख लो, है ना। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली पर, है ना, स्मूथ एंड फ्रीली परमिएबल, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन रफ, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है बेटा। स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स क्या नाम देते हैं बेटा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है ना। मैट्रिक्स हैज, है ना, डीएनए कैसे होता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड, हां जी, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। मैट्रिक्स हैज 70S राइबोसोम, मैट्रिक्स हैज 70S राइबोसोम, लिख लिया। आगे चलूं? हाँ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, सिंगल बेटा, स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड थोड़ी होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्टार्टिंग सर। लिखा है सर डबल स्टैंडर्ड होता है, स्टार्टिंग डबल स्ट्रैंडेड ही होता है बेटा। लिखा है सर। एक्सेल जब गूगल गूगल कर, चेक कर बेटा, एक मिनट अभी चेक कर जरा। सर सर साइड होना मुझे भी कंफ्यूज कर, सब जगह। एक बार जरा बेटा चेक कर, अमरनाथ, अंशिका, एक बार चेक करो, सिंगल स्टैंडर्ड है डबल है? अंशिका कर रहे सर चेक, डबल है, डबल। एक बार गूगल पे चेक करो बेटा। सर सिंगल ही नंबर होगा वो तो ठीक है, जरा एक सर। बार चेक तो करो। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल तो वो हो गया ना कि एक ही नंबर हाँ में, सर, वो नंबर बोलना चाह रहा है वो, मतलब उसने वो तो नंबर नंबर है, को, वो तो नंबर है। आकाश सही बोल रहे हो, हाँ उसने नंबर को सिंगल उसने ले लिया स्टैंडर्ड नहीं है। है ना? नो सर। हाँ ठीक है, फिर मैंने ठीक लिखा हुआ, ठीक। आगे चलो बेटा। एक सेकेंड सर। और इनर वॉल ना इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। सर एक मिनट, नोट नहीं किया था। अच्छा आ रहा हूँ बेटा, एक मिनट। ये लो, हो कर लिया था सर, कर लिया था। गया बेटा। एक मिनट सर। ओके बॉडी में कहां तक पहुंच गए बेटा तुम लोग? 12 शुरू हो गई? फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस चल रहा है सर। हाँ, फोटोसिंथेसिस। सर अभी टाइम है सर, अभी खत्म होने में। वो सर भी ऐसे ही करते हैं, एक दिन में एक चैप्टर कंबाइंड, नो एक सर। दिन यस सर, में, एक दिन में एक ना, वही है। यस।
ठीक है, इनर वॉल इज थ्रोन इनटू पोर्ट्स कॉल्ड क्रिस्टे, ठीक है। अलग अलग साइड के जो क्रिस्टे होते हैं ना बट अपोजिट साइड के, वो कई बार एक दूसरे के साथ आके ऐसे मिल जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर पार्ट को कंपार्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं। क्रिस्टे ऑफ द अपोजिट साइड्स में मीट ईच अदर एंड है ना विल डिवाइड द इनर पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनटू कंपार्टमेंट्स। सभी वाला पॉइंट समझाना कुछ के बेटा, क्रिस्टे वाला पॉइंट समझाना सर लास्ट। कौन सा लास्ट वाला सर, क्रिस्टे वाला। अरे देखो ऐसा है ना बेटा कि ये क्रिस्टे ऐसे अगर आ गए, दिख रहा है आपको? देखो कई बार क्या होता है ऐसे भी तो आ सकते हैं ये, तो देखो एक दूसरे से मिल नहीं गए आकर के, तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं बन गए, ओके सर। है ना? अगला लिख लो बेटा, है ना। इनर वॉल कंटेन्स, सर अभी हुआ नहीं पीछे। अरे बेटा इतना स्लो क्यों हो गए? हो गया, हो गया। ठीक है। इनर वॉल ऑफ क्रिस्टे कंटेन्स, ठीक है बेटा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये बेटा बेस होता है, ये पेडिकल होता है और ये बेटा हेड होता है ना। बेस होता है, पेडिकल होता है, हेड होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स और एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स। जो बेटा बेस है वो एफ नॉट होता है और जो हेड है वो एफ वन होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गया? एफ नॉट बेटा प्रोवाइड्स पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स और एफ वन कंटेन्स एंजाइम ATP synthetase. Contains enzyme ATP synthetase. Clear ho gaya? हो गया सर। हो गया बेटा।
आगे चलें। ठीक है, अगला लिखो बेटा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया किससे डाई से स्टेन होते बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टेन्ड बाय जेनस ग्रीन बी डाई, ना। टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर सेपरेटेड बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर सेपरेटेड बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। कलर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पेल येलो, पेल येलो ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व। लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन, सर क्रिस्टल वॉलेट डाई भी तो होती है एक। हाँ हो गया बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया आर सर आप कॉमन। टी मंगा लीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा सा। हाँ बेटा, सर कुछ आपका गला ठीक नहीं है क्या सर? नहीं ठीक है। अरे वो मैंने ना उसमें वो खाया था नमकीन ब्रेक में, वो तो पता नहीं पानी पी लीजिए सर। मुझे वही लग रहा है कि अगर मैं नमकीन के ऊपर और पानी पी जाऊंगा, बहुत मिर्च वाला नमकीन था वो, तो और वो जम ना जाए जा करके। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, है ना, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। वो बड़ा मिर्च वाला नमकीन था, और फिर उसके ऊपर चाय पीता, चाय नहीं पी मैंने अभी। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, है ना, बिकॉज। अब बेटा सेमी ऑटोनोमस क्यों कहलाते हैं? दे हैव देयर ओन माइटोकॉन्ड्रिया ना बेटा, दे हैव देयर ओन माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव ओन देयर डीएनए ओन, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा हूं, दे हैव देयर ओन सर, डीएनए आएगा ना। डीएनए, दे हैव देयर ओन राइबोसोम। राइबोसोम 70S। यस, वेरी गुड बेटा। ठीक है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, 65% ऑफ द एंजाइम्स ऑफ सेल आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द एंजाइम ऑफ द सेल आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, पानी पी लीजिए सर। पी रहा हूं। लिख लिया बेटा, लिख लिया। हो गया बेटा। यस प्लास्टिक्स, किचन ऑफ सेल, प्रेजेंट इन प्लांट्स बट एब्सेंट इन एनिमल्स। प्लास्टिक्स तीन तरह के, क्या तीन तरह के होते हैं बेटा? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट। सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड ल्यूकोप्लास्ट का निकालो सर, एक बार लास्ट। गया बेटा। कलरलेस प्लास्टिक्स, कलरलेस प्लास्टिक्स। कलरलेस प्लास्टिक्स, नो पिगमेंट। ठीक है बेटा, नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दे ओनली स्टोर फूड। दे ओनली स्टोर फूड। दे ओनली स्टोर फूड। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, बता दो बेटा। तीन टाइप के कौन कौन से हैं? माइलोप्लास्ट, अमाइलो, इलायोप्लास्ट, एल्यूरो, पहला एल्यूरोप्लास्ट। बेटा अमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट ये बेटा क्या स्टोर करता है? स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। हाँ बेटा, इलियोप्लास्ट ऑयल ऑफ फैट, ऑयल्स एंड फैट। स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट्स। एल्यूरोनोप्लास्ट, प्रोटीन्स। स्टोर्स प्रोटीन्स, एल्यूरोनोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन्स। क्लियर हो गया बेटा? सर एक मिनट रुक,
सर ये लास्ट में जो वो है क्या लिखा है, ये स्टोर्स एलईडी प्रोटीन्स प्लास्ट प्रोटीन्स में? बेटा प्रोटीन्स प्रोटीन्स एल्यूरोनोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन्स प्रोटीन्स ठीक ओके सर, हो गया। है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक्स अदर देन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक्स अदर देन ग्रीन ठीक है। पिगमेंट्स प्रेजेंट अगर बेटा लाइकोपीन है तो किस कलर का पिगमेंट है? रेड कलर्ड पिगमेंट। ठीक है अगर बेटा जेंथोफिल है येलोइश ऑरेंज ठीक है अगर बेटा जेंथोफिल है येलोइश ऑरेंज जेंथोफिल येलोइश ऑरेंज सर। ये ल्यूकोप्लास्ट में डीएनए आरएनए होता है? किसके अंदर बेटा? ल्यूकोप्लास्ट हाँ वो तो प्लास्टिड्स है बेटा, वो तो प्लास्टिड्स है, अभी बता रहा हूं। ठीक है जेंथोफिल येलोइश ऑरेंज क्रोमोप्लास्ट हो गया बेटा, और फिर आता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम सर ने पढ़ाया बेटा आपको, यस सर। पढ़ा दिया ना? हाँ बोलो बेटा, अगर नहीं पढ़ाया तो ना बोलो, दो दो बार पढ़ने की जरूरत है। पढ़ा पढ़ा दिया दिया ना बस, ठीक है बेटा, है ना? मेन प्लास्टिक ही होता बेटा, मेन प्लास्टिक। ठीक है प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है ना, एज वो ये बेटा दे हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है बेटा दे हैव देयर ओन 70S राइबोसोम। सर, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड क्या आउटर लेयर पे पोरेंस भी तो होते हैं ना? हाँ बेटा सर, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के आउटर लेयर पे सर प्रोटीन्स भी हो वो पोरेंस भी होते हैं ना? पोर्स, पोर्स तभी तो मैंने लिखवाया था माइटोकॉन्ड्रिया में कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना बेटा वो फ्रीली परमिएबल होती है क्योंकि उनमें पोर्स होते हैं ना। अच्छा सर, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है और दो मेम्ब्रेन के बीच का पेरिप्लास्टिडियल स्पेस वो सब तो सर ने पढ़ाई दिया। और ये जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं बेटा ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, है ना? अगर किसी में पिगमेंट आ गया या जैसे क्रोमोफिल है ना, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है, जब फल कच्चा है तो वो ग्रीन कलर का है। हाँ है ना वही है बेटा, जैसे उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जब फल कच्चा है ना बेटा तो ग्रीन कलर का है, इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल है। जब वो पकेगा तो बेटा क्लोरोफिल किसमें चेंज हो जाएगा? क्रोमोफिल में, तो वो रेड सा हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, ऐसे होता है ना। तो ये सारे आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है ओके सर। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं बेटा, प्रेजेंट इन एनिमल सेल,
एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइड बैग्स ऑफ सेल है ना, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डे डुवे। डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डे डुवे। सर हाँ हाँ बोलो, सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं सर? बता रहा हूँ बेटा, ठीक है सर, एक मिनट। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइसोसोम्स आर, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है बेटा? मल्टीपल मॉर्फोलॉजी है ना, दे आर ऑफ फोर टाइप्स, एज दे आर ऑफ फोर टाइप्स। हाँ बेटा, सबसे पहले कौन सा होता है? प्राइमरी लाइसोसोम्स फिल्ड विद है ना अबाउट 30 types of hydrolytic enzymes. Which assist in digestion. Hydrolytic का मतलब क्या हुआ बेटा? Digestion. है ना? और ये enzymes ज्यादातर acidic medium में काम करते हैं. Most of them act in acidic medium. Most of them act in acidic medium. Therefore, also called acid hydrolysis. लिख लिया बेटा प्राइमरी? नो सर। सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड दिखा देना प्लीज। देख लो, ओके नेक्स्ट लिखे बेटा। सर सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं उन्हें, ये तो बताइए। बता रहा हूँ बेटा। सर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन से? जो डाइजेशन में हेल्प करें बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक है, और हेटरोफेगोसोम्स। ठीक है, हेटरोफेगोसोम्स दे कंटेन। सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड। अरे बेटा, मैं जितना तेज जाने की कोशिश करूं। सर ठीक है, है ना, दे कंटेन एंजाइम्स। सर ये क्या लिखा है? हेटरो फेगोसोम्स इन देयर एक्टिव फॉर्म है ना, इसके अंदर बेटा एंजाइम्स होते हैं। एंड द फूड विच इज
टू बी डाइजेस्टेड एंड द फूड विच इज टू बी डाइजेस्टेड. सर बायोमोलिक्यूल्स के भी क्वेश्चंस है सर, तो क्या करना था उसका? दो तीन है सर क्वेश्चंस, ब्रेक में बता दें. ब्रेक में नहीं बताऊंगा, ब्रेक में पेपर बनाना है ना बेटा, मुझे कुछ रह गया अभी, ब्रेक के बाद वाले उसमें बता दूंगा. तू जल्दी आ जाइयो, ठीक है? एग्जैक्ट आ जाइयो टाइम पे 15 मिनट में. तो जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करेंगे तब तक तुझे बता दूंगा, ठीक है? ओके सर. ठीक है, फिर तीसरे आते हैं बेटे टर्शियरी लाइसोसोम्स. इनको बेटा रेसिडुअल बॉडीज भी कहते हैं. Contains undigested food. जो फूड डाइजेस्टिंग होता है ना बेटा, वो ये बन जाता है ना. और अनडाइजेस्टेड फूड, इनके एक्यूमुलेशन से बेटा मेटाबॉलिक डिसीज हो जाती है. देयर एक्यूमुलेशन जैसे सर हर्लेज डिसीज होती है ना बेटा, कॉजेज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. बोन का एक है ना, ये सुनी आपने गाउचर्स डिसीज और ये सब जो होती है ना, देयर एक्यूमुलेशन कॉजेज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. टर्शियरी लिख लिया बेटा? यस सर. ठीक है, चौथे नंबर पे होता है बेटा क्वार्टरनरी लाइसोसोम्स. नहीं सर, क्वार्टरनरी और बेटा ऑटोफेगोसोम्स. क्वार्टरनरी है ना और ऑटोफेगोसोम्स, दे रिमूव सर अभी वन तो लास्ट लिख दे. देखिए बेटा हो गया सर. ठीक है, दे रिमूव, ठीक है, टॉक्सिक और कैंसर सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, बट समटाइम्स है ना दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय है ना नॉर्मल सेल्स. नाउ दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स. ठीक है, नाउ दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स. सर जो टर्शरी लाइसोसोम्स होते हैं उनमें अनडाइजेस्टेड फूड कंटेन करता है, वो पास आउट नहीं होता? हाँ वो पास आउट नहीं पाता ना बेटा, उनके तो एक्यूमुलेशन से डिसऑर्डर हो जाता है. हाँ बेटा भावना, उनके एक्यूमुलेशन से डिसऑर्डर हो जाता है. हाँ. अरे प्रवीण समझ में आ गया? सर पास आउट क्यों नहीं होता? वो उसको जब तक पूरी तरह से डाइजेस्ट होके बेटा वो मेटाबोलाइट नहीं बनेगा, तो वहां या तो वहां पे एंजाइम्स की प्रॉब्लम है या वो पाथवे डिस्टर्ब हो गया है ना, तो वो इनमें आ जाते हैं. हाँ सर ये अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता. हाँ हाँ, कई बार वो अपने सेल को पहचान नहीं पाता ना बेटा, तो अपने नॉर्मल सेल को ही मार देता है, इसलिए सुसाइड बैग कहते हैं इसको, है ना. ओके Discovered by Golgi. By staining the cell by Sudan 3 dye or osmium tetraoxide. By Sudan 3 dye. और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड,
ये ब्लैक कलर का स्टेन करके ना, गॉल्गी बॉडी, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लो बेटा, सर एक सेकेंड सर, लास्ट स्लाइड बेटा, उसमें तो लिखी दो लाइन थी, ओके सर, ओके, ये देखो बेटा, ये क्या है बेटा, ये बेटा सिस्टर ने, है ना, ये हो गया बेटा सिस्टर ने, और इनके अंदर ये बेटा सिक्रेटरी सब्सटेंस भरा होता है ना, ये है बेटा सिक्रेटरी सब्सटेंस, ये सिस्टर है, ये बेटा सिस फेज, ये हो गया ट्रांस फेज, कॉनकेव फेस, कॉन्वेक्स फेस, यहां पे बेटा वेसिकल्स होते हैं, क्या ये वेसिकल्स, हाँ वेसिकल्स का जो सिक्रेटरी सब्सटेंस होंगे ना उन्हें लेकर के चलते हैं ना, अंदर जो सिक्रेटरी सब्सटेंस भरा होता है उनको लेकर के चलते हैं वेसिकल्स, सर वो ऊपर क्या लिखा है, कॉन्वेक्स फेस और मैच्योरिंग फेस और ट्रांस फेस, ट्रांस, हाँ बीच में क्या है, मैच्योरिंग फेस, अरे बेटा एक तरफ सिस है तो दूसरी तरफ ट्रांस है, एक तरफ फॉर्मिंग है तो मैच्योरिंग है, कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स है, ओके लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, लिख नहीं रहा, लिख लो आप, है ना, दी मेन पार्ट ऑफ गोल्गी आर नोन एज सिस्टरने, द मेन पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडी आर, है ना, बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टरने, ठीक है, सिस्टरने आर फिल्ड विद, है ना, सिक्रेटरी सब्सटेंस होता है बेटा इनके अंदर, आर फिल्ड विद सिक्रेटरी सब्सटेंस,
ठीक है ना, आपने देखा था ना इनके अंदर सिक्रेटरी सब्सटेंस भरा होता है, और सिस्टर ने के जो एंड्स होते हैं वो बेटा चौड़े से हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, एंड्स ऑफ द सिस्टर ने। देखो डायग्राम देखो आप, आर डायलेटेड है ना, चौड़े से हो जाते हैं बेटा, एंड्स ऑफ द सिस्टर ने है ना आर डायलेटेड, चौड़े से हो जाते हैं, और जो इनके एंड्स होते हैं ना वहां से बेटा वेसिकल्स निकल के जाते हैं, है ना, फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सिस्टर ने है ना पिंच ऑफ हो जाते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना बेटा हम, पिंचेस ऑफ, टूट के पिंचेस ऑफ वेसिकल्स, पिंच ऑफ होकर के निकल जाते हैं वेसिकल्स, पिंचेस ऑफ वेसिकल्स, लिख लो बेटा मैं एक सेकेंड आ रहा हूं। सर ये लास्ट पॉइंट बताना, पिंचेस ऑफ वाला, टूट के निकलते हैं ना बेटा, आप डायग्राम देखो, देखो डायग्राम में बनाया हुआ है आपने, सर ये वेसिकल्स क्या होते क्या है, है ना। हाँ बेटा बोलो सर, वेसिकल्स, अरे बेटा पिछले डायग्राम देखना, देख साइड से वेसिकल्स नहीं निकल रहे टूट टूट के, है ना, इन वेसिकल्स के अंदर बेटा ये सिक्रेटरी सब्सटेंस भरे होते हैं जो इनको ट्रांसपोर्ट करने होते हैं ना। सर ये होते क्या हैं, होते क्या हैं वेसिकल्स, छोटी छोटी राउंड बॉडीज, अच्छा वेसिकल्स नहीं पता आपको बेटा, स्मॉल राउंड बॉडीज होती है बेटा, है ना, है ना बेटा, दीज आर स्मॉल राउंड, छोटी छोटी सी गोल गोल सी बॉडीज होती है ना सर। हाँ ये सिस ट्रांस भी मतलब समझ नहीं आई, ये है क्या, इनकी डेफिनेशन या इनकी पोजीशन क्या है एक्चुअल, मतलब किसी रेफरेंस को अभी समझाऊंगा, ये समझाऊंगा बेटा अभी मैं समझाऊंगा, है ना। तो देख तो एंड्स ऑफ, अभी तो मैं सिस्टर्ने की बात कर रहा हूँ ना, फिर मैं समझाऊंगा कि सिस्टर ट्रांस क्या होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया, सिस्टर्ने क्या होते हैं बेटा बता, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, दीज आर बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्या भरा होता है बेटा, सिक्रेटरी सब्सटेंस, और इनके एंड्स कैसे हो जाते हैं, डायलेटेड, 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 और उन एंड से क्या पिंच टूट के निकलते हैं, वेसिकल्स, ठीक है बेटा, है ना, और ये जो वेसिकल्स होते हैं बेटा, है ना, दीज वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्लियर था। तो जो सिक्रेटरी सब्सटेंस भरा होता है सिस्टर्ने के अंदर, उनको ये वेसिकल बेटा बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्लियर हो गया। सर साइड प्लीज, ठीक है। अब ये जो अगर वेसिकल्स हैं, जब ये बेटा एनलार्ज होने शुरू होंगे और वो प्लांट सेल है तो ये वैक्यूल बना देंगे, अगर वो एनिमल सेल है तो वो लाइसोसोम बना देंगे, है ना। दीज वेसिकल्स है ना इन प्लांट सेल क्या बना देंगे बेटा, बोलो, वैक्यूल्स, वैक्यूल, और बेटा दीज वेसिकल इन एनिमल सेल क्या बनाएंगे बेटा, लाइसोसोम, लाइसोसोम,
लिख लिया। यस सर। ठीक, अब देखो बेटा, है ना, देखो ये जो साइड होती है ना बेटा, ये जुड़ी होती है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ईआर के साथ। किसके साथ जुड़ी होती है बेटा? ईआर। और ईआर किससे जुड़ा होता है? न्यूक्लियस से। ईआर किससे जुड़ा होता है बता दो बेटा? न्यूक्लियस से, है ना। ठीक और एंड से क्या निकल रहा है? ये क्या बन सकते हैं बेटा? वैक्यूल, या क्या बन सकते हैं? लाइसोसोम्स। यही बताया ना, लाइसोसोम्स। ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? सर। जीई आर एल वी कॉम्प्लेक्स। इनके ऊपर बेटा क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम्स। ये सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा? जी आर एल वी कॉम्प्लेक्स। जी क्या हुआ बेटा? गोल्जी अपैरेटस। गॉल्जी बॉडी, ई क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर क्या हुआ? राइबोसोम, लाइसोसोम, एल क्या हुआ? क्या हुआ वैक्यूल। बेटा? ये एक बेटा कॉम्प्लेक्स होता है सेल का, जिसको हम GERLV कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और कोई सेल ऑर्गेनेल इसके आसपास आने की हिम्मत नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो दूर दूर रहते हैं इससे बेटा, इस कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, अब देखो सर बेटा। हाँ, सर ये वेसिकल, वैक्यूल और लाइसोसोम्स में कब कन्वर्ट होते हैं? मैच्योर होते होते बेटा, है ना, मैच्योर होते होते, जब सेल पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। ठीक है, अब सुनो बेटा। ठीक है, कोई भी चीज बनाने का ऑर्डर कौन देता है? बॉस न्यूक्लियस, कौन है सेल का? न्यूक्लियस, बनाता कौन है बेटा उसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम। ठीक है, और उस चीज को उसको पैक गोल्जी अपैरेटस। करके ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? गोल्जी गोल्गी। बॉडी या गोल्जी अपर्ट, वैक्यूल क्या करवाता है बेटा? ये वेसिकल्स क्या करवाते हैं? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। हाँ, अब देखो बेटा, अब देखो, मान लो आपको कोई प्रोटीन है, तो प्रोटीन बनाने का ऑर्डर कौन देगा? न्यूक्लियस, 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 बनाएगा कौन प्रोटीन? एंडोप्लाज्मिक और राइबोसोम। तो बेटा पैक कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा? गॉल्गी बॉडी, उसे क्या सर? लेके कौन चल रहा है? सर वेसिकल्स, क्लियर हो गया? अगर यस बेटा सर। किसी फैट को ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो वहां पे राइबोसोम्स नहीं आएंगे, है ना, वहां पे स्मूथ ही आ रहा है। हाँ, क्लियर हो गया? अब बेटा सिस और ट्रांस के, कॉनकेव कॉन्वेक्स तो सिंपल है, वो तो शेप के हिसाब से है ना। फॉर्मिंग और मैच्योरिंग क्या होता है बेटा? जो फेज अभी ईआर की तरफ है, वो अभी बन रहा है, पूरी तरह डेवलप बना नहीं है, इसलिए हम उसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं। जो दूसरी साइड चला गया, वो वाला फेज पूरी तरह डेवलप हो गया, जो कॉन्वेक्स फेज है, हम उसको बेटा मैच्योरिंग फेज कहते हैं। ठीक है, और सिस ट्रांस हो गया। सिस और ट्रांस जो फेज बेटा
न्यूक्लियस की तरफ है, वो ओरिजिनल पास वाला फेस है, वो सिस कहते हैं। ट्रांस आपको पता है ना, जैसे ट्रांस रिवर पार, ठीक है, तो जो फेस न्यूक्लियस से थोड़ी दूर चला जाएगा वो फेस क्या कहलाएगा, ट्रांस फेस। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव शेप के हिसाब से है, ठीक है, फॉर्मिंग मैच्योरिंग कि वो कितना बन चुका है उसका पार्ट सिस्टरने का, और सिस और ट्रांस जो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस से दूर है। क्लियर हो गए तीनों फेस बेटा? और गोल्गी का जी आर एल कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? न्यूक्लियस के जो पास है वो सिस है। हाँ बेटा, पास हमेशा सिस होता है ना बेटा, नदी के इस साइड सिस होता है, नदी के पार क्या कहते हैं, कहते हैं ना ट्रांस यमुना, ट्रांस हिंडन, ट्रांस रिवर, ट्रांस होता है बेटा पार कर जाना किसी चीज को। क्लियर हो गया बेटा? सिस ट्रांस है ना। क्लियर हो गया बेटा? सर ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है पूरा? GERLV कॉम्प्लेक्स। नहीं मतलब इसकी कोई फुल फॉर्म वैसे नहीं है, क्या होता है ये? अभी तो फुल फॉर्म एक एक करके बताई थी राजा, तो उस समय कहाँ थे? जी से बताओ बेटा क्या होती है, साक्षी रणवीर बताओ, मैंने सबको बताया था, प्रवीण बताओ, जी क्या बताया था? गोल्गी बॉडी, बॉडी गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम। बी क्या बताया था? वैक्यूल। ठीक है रजत? यस सर। ठीक है बेटा आगे चले, फंक्शंस ऑफ गोल्गी। ठीक है सर, इसी को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो, ये मैं बताना भूल गया था, ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने, इसी को बेटा हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। वेरी गुड, है ना, दिस इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वेरी गुड, ये बेटा सिस्टम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाता है। सर ये पूरा वाला? हाँ ठीक है बेटा, स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सिक्रेटरी सब्सटेंस, ग्लाइकोसाइलेशन टेक्स प्लेस हियर। ये बेटा ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, जब कोई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड हो, है ना, ग्लाइकोसाइलेशन एडिशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, एडिशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, सल्फोनेशन, है ना, सल्फोनेशन क्या होता है बेटा, सल्फर ऐड करना, सल्फोनेशन टेक्स प्लेस हियर, सल्फर का एडिशन होना, है ना, और इट फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। इट फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। ओके सर। ओके ठीक है, राइबोसोम्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है,
नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज कैसे पता चलेगा बेटा? अगर आपने उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो किधर माइग्रेट कर जाएगा वो, किधर अट्रैक्ट हो जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ऑल्सो कॉल्ड पेलेडे पार्टिकल्स। Also called Faraday particles. And are composed by ribonucleic acid. हाँ बेटा बिल्कुल सही है। Also called Faraday particles. अच्छा एक बात बताओ बेटा कि दो चीजों की ना, हाँ अक्षय बेटा, acrosome of sperm है ना, sperm का जब हम diagram देखेंगे तो देखेंगे अक्षय उसके अंदर acrosome होता है, ठीक है, और वो acrosome बेटा किसका बना होता है? इसी का, गोल्गी का ही बना होता है ना। पैलेडे पार्टिकल्स भी कहलाता है बेटा, है ना। अच्छा एक बात बताओ कि दो चीजें जो डिस्कस जो ज्यादा अच्छे से डिस्कवर हो पाई थी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो कौन कौन सी दो चीजें थी बेटा, है ना? वायरस एंड राइबोसोम्स, है ना। इनके स्ट्रक्चर को बेटा, स्ट्रक्चर स्टडीड इन डिटेल After the invention of electron microscope. ये इतने छोटे होते हैं दोनों बेटा, ये कितने इतने छोटे होते हैं बेटा ये दोनों, है ना, ये इतने छोटे छोटे होते हैं दोनों। सर पैलेट पार्टिकल्स का मतलब? हाँ बेटा, पैलेडे ने इनके स्ट्रक्चर बेटा डिटेल में स्टडी किया था। पैलेडे एक साइंटिस्ट का नाम है, जॉर्ज पैलेडे। हो गया बेटा। राइबोसोम दो तरह के होते हैं बेटा, कौन कौन से बता दो जरा बेटा। यूकेरियोट और प्रोकैरियोट। 70s 80s 70 और 80s। ये कहां होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। और ये यूकेरियोट्स। और बता बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। और ये बेटा यूकेरियोट सेल। ये किस किस में ब्रेक होता है बेटा? 60s एंड 40s। 40s में ब्रेक होता है बेटा, 50s एंड 30s। 30s एस क्या होता है बेटा? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन सेडबर्ग यूनिट। एक ही है क्या आज? एक ही है वो तो दे जाना बच्चे, तो सेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सर वो ऊपर क्या लिखा है? प्रोकैरियोट्स और माइक्रो पार्टिकल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स बेटा। अच्छा ठीक। अच्छा बताओ बेटा, क्रिटिकल लेवल ऑफ मैग्नीशियम आयन क्या होता है? What is critical level of magnesium ion? सर अभी नोट नहीं किया। अच्छा नहीं किया था, कर लो बेटा। आजा आजा।
क्या लिखा है? एस क्या है? स्वेडबरी, स्वेडबर्ग यूनिट होता है बेटा, ये स्वेडबर्ग यूनिट है ना, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं बेटा इसको, है ना। देख अगर आपने ना राइबोसोम को बेटा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला और उसे घुमाया तो किस जगह पे कितने यूनिट उसमें ब्रेक हो जाएंगे, है ना, कितनी सेडिमेंटेशन पे वो कितना ब्रेक हो जाएगा, है ना बेटा। रजत कहां चला गया? यही हूं सर, दिखाई नहीं दे रहा नाम तेरा बिल्कुल। अच्छा सुन, बताना तुम्हें से कौन बता रहा है क्रिटिकल लेवल ऑफ मैग्नीशियम आयन? अरे हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, दो लगते हैं ना, एक लगता है सर, एक मिनट लास्ट दो लगते हैं सर। अभी देख, अभी ये लास्ट स्लाइड वाला कौन आया, पिटेगा मेरे से। कैमरा में से निकल के आऊंगा तुम्हें मारने। डन डन सर, हो गया। मारे जाते हो, तुम्हारे मरीजों का क्या होगा दीपक? लेवल एट विच सर, हाई कंसंट्रेशन लेवल ऑफ मैग्नीशियम, टू यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स रिमेन्स जॉइंट, ठीक है, विद ईच अदर, दोनों यूनिट बेटा जुड़े रहते हैं, ठीक है, और इस क्रिटिकल लेवल से नीचे, बिलो दिस क्रिटिकल लेवल, द टू यूनिट्स ऑफ राइबोसोम सेपरेट्स। है ना, टू यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स सेपरेट्स, ठीक है, इस क्रिटिकल लेवल के नीचे दो दो यूनिट है राइबोसोम के बेटे, वो सेपरेट हो जाते हैं, टू यूनिट्स ऑफ राइबोसोम सेपरेट्स, हो गया बेटा सर? नहीं हुआ ठीक है, अबव दिस क्रिटिकल लेवल सर, एक मिनट करना, लास्ट स्लाइड मिलो बेटा, सब कंसंट्रेशन नहीं है इनकी, नहीं वो बेटा हर एक सेल के लिए बेटा और हर ऑर्गेनिज्म के लिए ना अलग अलग होती है, ओके, जैसे किसी में 3 मिली ऑस्मोल्स होती है, किसी में 5 मिली ऑस्मोल्स होती है, ऐसे होती है बेटा। अगर मैंने एक बता दिया और वो वाली नहीं आई और कोई दूसरी आ गई तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे पूछते नहीं है, लेवल नहीं पूछते कभी भी, है ना, और लिख लेना बेटा, अबव दिस क्रिटिकल लेवल है ना, टू राइबोसोम्स जॉइंट्स टुगेदर टू फॉर्म ए डाइमर ऑफ राइबोसोम्स, joins together to form a dimer of ribosome. Okay. At a very high critical level, of magnesium ion, multiple ribosome joins together and then joins with RNA to form
पॉलीराइबोसोमल आरएनए कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? अबव दिस क्रिटिकल लेवल दो राइबोसोम ज्वाइन कर जाएंगे टू फॉर्म ए डाइमर ऑफ राइबोसोम। लेकिन अगर बेटा क्रिटिकल लेवल अब बहुत हाई ले गए तो मल्टीपल राइबोसोम फिर ज्वाइन करेंगे और फिर वो ज्वाइन कर जाएंगे विद आरएनए, ठीक है, और वो बन जाएगा बेटा पॉलीराइबोसोमल आरएनए कॉम्प्लेक्स जहां बेटा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। और सर अगर क्रिटिकल लेवल वेरी लो हो गया तो? अगर कम हो गया तो बेटा वो टूट जाएंगे फिर, तो प्रोटीन तो बनेगा ही ना, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। मैग्नीशियम जो होगा ना बेटा, मैग्नीशियम इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि मैग्नीशियम ना राइबोसोम की फंक्शन में बहुत काम आता है। सर वेरी लो पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा ना? हाँ वो तो बेटा अगर टूट गया बिल्कुल, दोनों फ्रेगमेंट ही अलग अलग हो गए इसके, तो प्रॉब्लम आएगी ना। हो गया बेटा, आगे चलूं? यस सर। यस सर। ईआर, अब बच इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है बेटा। ईआर कैसे होते हैं बेटा? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? रफ और ग्रेनुलर ईआर, ठीक है। और दूसरा कौन से होते हैं बेटा? स्मूथ और ए ग्रेनुलर ईआर। ये दोनों बेटा एक दूसरे में ना इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं सर। हाँ सर, वेरी हाई क्रिटिकल लेवल ऑफ मैग्नीशियम वाला पॉइंट बताना। उसमें अगर बहुत ही हाई लेवल चला गया ना बेटा, जो जाना चाहिए तभी प्रोटीन बनेगा, तो बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, फिर उसमें आरएनए। आपको पता है ना, जब आपने जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहां पे आर आरएनए भी होता है ना, वही तो वही तो पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है। याद आ रहा है सर? जब बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए से जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं उस कंडीशन? जब बहुत सारे राइबोसोम एक से जुड़ते हैं, एक नहीं जुड़ते बेटा, आरएनए भी खुद नहीं। सर ऐसा पढ़ा था कि जब बहुत सारे मैंने राइबोसोम जब एक सिंगल एमआरएनए से जुड़ते हैं तो उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। अरे नहीं बेटा, वो तो सिस्ट्रॉन तो एक अलग चीज होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एक अलग चीज होता है। एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ना। रफ जो होते हैं बेटा, रफ के ऊपर, रफ ईआर के ऊपर क्या मौजूद होता है बेटा? हैज राइबोसोम्स अटैच विद इट विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन। हैज राइबोसोम्स है ना, अटैच विद इट विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन, है ना बेटा। और ये क्या करता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। है ना, ये क्या करवाता है बेटा? ये करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये बेटा हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ ईआर होता है वो बेटा क्या करवाता है? ना नो राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये क्या करवाता है? लैक ऑफ राइबोसोम अटैच टू इट करके सिंथेसिस, है ना, इन मसल्स SER स्टोर्स कैल्शियम, SER स्टोर्स कैल्शियम,
एंड इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बेटा, क्या नाम देते हैं इसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ बेटा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ बेटा, यही चेंज हो जाता है इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी मैं ब्रेक में जा रहा हूं बेटा, ब्रेक से आने के बाद फिर हम ER के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे, अभी पूरी तरह पूरा हुआ नहीं है ER। ठीक है, थोड़ा इसको और देखेंगे, फिर आप भी कुछ चाय वाय पी लो, मैं भी आता हूँ आपके पास 5 मिनट, है ना सर? सर जल्दी आना, मैं डाउट बता, एग्जैक्ट 15 मिनट लूंगा बेटा। सर थोड़ी सी और जल्दी आ जाना, मेरे भी डाउट्स हैं सर, अभी तो 3 मिनट है। चलो ठीक है, बाय बाय सर।